हाँ तो यार आज भैया की सवारी निकल रही है और पहुंचने वाली है बैंगलोर शहर में। अभी स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि यार भैया बैंगलोर शहर में क्यों जा रहे हो, बाहर से क्लाउड्स दिख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भैया अभी आसमानों में है, ठीक है। और जैसे ही स्टूडेंट्स प्लेन उतरने वाला था बैंगलोर में तो मुझे मैसेज आ चुका था कि सर आपकी कैब रेडी हो चुकी है। और जैसे ही कैब आने के बाद, मैं कैब में से जाने के बाद मैं होटल में पहुंचा और होटल का व्यू देखी। ओके गाइस, वी आर इन द होटल राइट नाउ, ठीक है। आपको होटल का लोकेशन बताता हूँ मैं, तो अभी होटल बताता देता हूँ लाला लोग, ठीक है। सो दिस इज द होटल, ठीक है। छोटा सा रूम है यार, राइट, छोटा सा रूम है। दिस इज विंडो हियर, ठीक है, सही है, सही है, राइट। ये है यहाँ से, यहाँ से पार्क भी है नीचे वैसे, ठीक है, तो पार्क में गया था मैं। ये है हमारा छोटा सा रूम। सो आई होप रूम का तो बता दिया। अभी हमको फटाफट से फ्रेश होके जाना है विच इज़ अन एकेडमी के ऑफिस में, बुलाया है, मीटिंग है। आपको ऑफिस का टूर भी दूंगा, मीटिंग तो ऐसे नहीं बता सकता हूँ, बट ऑफिस का टूर, वीडियोस रिकॉर्डिंग, किन किन से मैं मिलता हूँ, और एक छोटी सी नोट भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें भैया ने सीखी, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस अन एकेडमी ने जब बुलाया था मुझे बैंगलोर के लिए, मतलब यहाँ के लिए किस प्रकार से था। अभी देख रहे होंगे चेहरा थोड़ा सा, ये फटाफट से फ्रेश होता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली अभी भैया निकल चुके हैं होटल रूम से और जैसे कि आप देख रहे हो सामने ही अन एकेडमी का ऑफिस है, ठीक है, तो हमको वहाँ पे ही जाना है। तो यहाँ से बस थोड़ा ही नज़दीक है, देखो बस क्रॉस करके जाना है। जैसे ही क्रॉस करने के बाद ये है कुछ व्यू अन एकेडमी के ऑफिस का। हमको ऊपर के साइड में जाना है तो ये है हमारे एक जाने माने सर वेणुगोपाल सर। तो देखो स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट्स यहाँ पे एकदम अच्छे से मूर्ति वगैरह है, एकदम सही प्रकार से सभी चीज़ें हैं, इतना बड़ा सा सभी चीज़ें थी। जैसे ही मैं अंदर एंटर कर रहा था तो यहाँ से हमको विच इज़ जाना है ऊपर के साइड में, तो इस प्रकार से हमको जाना है। जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थे विच इज़ लिफ्ट्स वगैरह थे, सभी चीज़ें थी, एकदम अच्छे से पूरा की पूरा मैनेज किया गया था। और जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो हम ओपन कर दिए हैं और देखो यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे अन एकेडमी का ऑफिस है। ये कुछ प्रकार से पूरा की पूरा व्यू है अन एकेडमी ऑफिस का, जो कि मेन ऑफिस है। तो हम यहाँ पे एंट्री करने के बाद, वैसे मैंने कर लिया था एंट्री करने के बाद यहाँ पे कुछ बड़ी सी चीज़ें थे, फ्रेम्स वगैरह थे, जो भी मोटिवेशनल कोट्स वगैरह सभी चीज़ें। जैसे ही हम अंदर एंट्री कर रहे थे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे टीचर्स को बैठने के लिए अलग एक सेक्शन था, यहाँ पे अलग अलग टीम मेम्बर्स काम कर रहे हैं। हम जो थे हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में बैठ रहे थे सभी टीचर्स, जो कि हम यहाँ पे स्ट्रैटर्जीज़ किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए लानी है, नई चीज़ें कौन से थॉट्स आपके लिए लाने हैं, सभी चीज़ें। अभी जैसे ही मैंने गेट खोल के सभी स्ट्रैटर्जीज़ वगैरह करने के बाद हम बाहर जा रहे थे, कैफेटेरिया सेक्शन में भी जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये पूरा की पूरा जो सेक्शन है यहाँ पे अलग अलग टीम मेम्बर्स बैठते हैं, मतलब मैनेजमेंट टीम होती है, बिजनेस टीम होती है, एडिटिंग टीम होती है, उसका टीचर्स की टीम होती है, टीचर्स के सेशंस लेने के लिए अलग अलग जगह होती है, ऑफिसेस होते हैं, सभी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ही विच इज़ एक रूट है कैफेटेरिया का, तो हम कैफेटेरिया में जाएंगे। उसके पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ से एक ये चेक कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर साइड में क्या है, तो यहाँ पे अन एकेडमी स्टूडियोज़ है। तो अन एकेडमी स्टूडियोज़ इन द सेंस कि वहाँ पे सभी टीचर्स वगैरह लाइव सेशन लेते हैं। यहाँ पे चिल करने के लिए सभी चीज़ें थी, कुछ गेम्स वगैरह थे जो कि मैंने खेला भी, जाहिर सी बात है, तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें खेली। और खेलने के बाद स्टूडेंट्स हम मूव कर रहे थे विच इज़ कैफेटेरिया में। जैसे ही स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में आए तो जो मेरे राइट हैंड साइड में था तो वहाँ पे पूरे के पूरे कैफेटेरिया वगैरह था, खाने पीने की चीज़ें। लेकिन सामने मेरी नज़र गई, यहाँ पे था टेबल टेनिस का विच इज़ पूरा की पूरा तो फॉर्मेट, तो मैं बोला कि चलो यार थोड़ा हाथ आजमा लेते हैं टेबल टेनिस में। तो मेरे साथ जो सर थे उनके साथ मैं टेबल टेनिस खेल रहा था, तो देखो कुछ इस प्रकार से था सभी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हमने की यार, क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ भी किए एक्टिव रहने के लिए, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, तो उसको रिलीफ करने के लिए हम जो है विच इज़ ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट था अन एकेडमी के ऑफिस में, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फनी सी चीज़ होगी, मैं खेल रहा था विच इज़ टेबल टेनिस हमारे सर के साथ और अचानक से बॉल ऊपर ही चले गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए और यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट है पूरा की पूरा रखा गया है।
मैं अंदर भी और मेन ऑफिस में गया था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम काम भी कर सकते हैं, हम इन द सेंस कि जो भी मैनेजमेंट टीम के हैं, जो भी टीम के हैं, वो टीम मेंबर्स यहाँ पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक है, सभी चीज़ें एकदम इंकल्केट किया गया है। और स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पूरी की पूरी अन अकेडमी की टीम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, बस महाराष्ट्र की नहीं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटिंग है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं आप सभी के लिए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की एक चीज़ हमको बहुत डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आपको जो भी लेक्चर्स मिलते हैं, जो भी PPTs मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलते हैं, एडिटिंग वगैरह मिलती है, वो इतने आसानी से नहीं, बल्कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और पेशेंस लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सामने जा रहे थे तो यहाँ पे मैंने थरुन से भी बात किया। सो हेलो गाइज, अभी हम आ चुके हैं विच इज हमारा खाना खाने, ठीक है, लंच करने, और मेरे साथ और मेरे दो साथी है। जैसे आप इन सर को जानते होंगे, विच इज इन्होंने JEE में तहलका मचा के रखा है, और एट द सेम वे लव सर जो कि मुझे गाइड कर रहे हैं, मतलब हमारे चैनल को ध्यान दे रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पे आलू पराठा खाने आए, होटल जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही है मेरा होटल, आपको दिख रहा होगा। सो फाइनली हमारा पराठा आ गया है, ठीक है, ये देखिए लव सर, इधर देखिए ज़रा, ठीक है, कैसा है पराठा, एक नंबर। ये देखिए यहाँ पे पराठा है, चटनी है, दही है, सभी चीज़ें मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। कैसा लगता है सभी चीज़ें आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। तो सभी चीज़ें प्लान आउट करने के बाद, स्ट्रैटर्जी प्लान आउट करने के बाद हम गए थे कुछ घूमने के लिए, तो UBCT में आपके भैया गए थे। और स्टूडेंट्स 8 दिन बाद भैया उधर से निकल गए थे, तो ये था जाने का विच इज़ प्लेन का जो भी है व्यू। जाते वक्त भी विच इज़ मेरे को विंडो सीट ही मिला था, तो विंडो सीट से कुछ इस प्रकार से था। और जाहिर सी बात है कि मैं दो जगह पर रुक के गया था, विच इज़ बैंगलोर से हैदराबाद, और फिर हैदराबाद से संभाजी नगर औरंगाबाद में मैं पहुँचा था। और इस प्रकार से था हमारा छोटा सा प्लेन, और इस प्लेन से भैया उतरने के बाद आ गए थे घर पे, और लाइव लेक्चर्स में मिलेंगे आपसे। तो मिलते हैं अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।